हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं इंजन पॉलिश वर्सेस इंजन बफिंग। दोस्तों मेटल पॉलिश में मैंने ऑलरेडी थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि मैंने रॉयल एनफील्ड का एसेंशियल जो है वो यूज़ करने वाले हैं, तो इसके बारे में डिटेल दूंगा कि ये मेटल पॉलिश कैसा है, ठीक है, और उसकी डिटेलिंग बात करेंगे। एंड मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, ये देखिए आप, ग्रीन कंपाउंड और बफिंग का भी तो एक बेस्ट कंपैरिजन आएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टेपिंग कर दी है ताकि दोनों कंपैरिजन दिखाएंगे, ठीक है, बिफोर आफ्टर भी दिखाने वाले हैं, इस प्रोडक्ट का रिव्यू भी करते हैं और दूसरे और भी मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं जैसे वो भी मेरे पास पड़ा हुआ, जैसे ये ब्राइटो पड़ा हुआ है जो पेडलाइट का होता है, इसका भी रिव्यू करेंगे दोस्तों, ये कैसा वर्क करता है वो भी डिटेल दिखाऊंगा मैं आपको। मतलब ये वीडियो ना मतलब आफ्टर रेन का एक बोलते हैं टिप्स हो जाएगा आपके लिए, कौन सा बेस्ट तरीका है, कौन से किसमें ज़्यादा अफोर्ड लगता है, किसमें कम टाइम लगता है, किसमें बेस्ट रिजल्ट आता है, वो सारे डिटेल बताने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंजन की कंडीशन कैसे हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाटर मार्क बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब शाइनिंग भी डल हो चुकी है, ऑक्सीडाइज भी हो चुका है, तो थोड़ा सा शाइनिंग लाते हैं, पॉलिश करते हैं। बारिश के बाद ना ये कंडीशन तो हो ही जाती है, खासतौर से ये एरिया में। देखिए अब थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम डल हो गया, शाइनिंग कुछ रही नहीं है, ये देखिए। तो दूसरे साइड का तो और ख़राब हाल है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए कितना ख़राब हाल हो गया है इसका। तो पानी पड़ते रहता है गर्म इंजन के ऊपर, तो ये जो है वाटर मार्क्स लगना, ऑक्सीडाइज होना हो ही जाता है, तो मेटल पॉलिश ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं हम रॉयल एनफील्ड का जो है एसेंशियल मेटल पॉलिश उसकी डिपार्टमेंट डिटेल। तो दोस्तों फर्स्ट हम जान लेते हैं रॉयल एनफील्ड के मेटल पॉलिश के ऊपर। रॉयल एनफील्ड एसेंशियल का जो है, ऑब्वियसली बात है कि मेटल पॉलिश जो है एसेंशियल होता है, क्योंकि क्रोम बिना ऑक्सीडाइज होना, वाटर मार्क्स आना लाजमी है, बारिश के बाद भी हो या फिर आप थोड़ा सा रेनी सीजन में, तो ये खास तौर से होता ही होता है, बाकी सीजन में भी अगर आप मेंटेन नहीं करते ना तो डलनेस जो है वो आ जाती है। ऑब्वियसली शाइन इंजन सबको चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। तो ये दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोसोल का प्रोडक्ट है, मार्केटिंग जो है वो रॉयल एनफील्ड कर रही है। इसका जो कॉस्टिंग जो है ना वो 315 का है, 315 मैंने बाय किया हुआ है इसको। एंड ऑटोसोल का जो प्रोडक्ट है ना सेम 75 grams का, जो ये भी 75 grams का ही है, 75 grams का जो आता है वो 250 rupees का आता है, ठीक है। चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, चाहे तो आप रॉयल एनफील्ड का ये प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। मैंने ऑटोसोल का प्रोडक्ट भी यूज़ किया हुआ है जो 75 grams का था, अच्छा प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है, 250 rupees का मिलता है, ये 315 rupees का है। तो देखते हैं कितनी क्वांटिटी आता है और कितना वर्थ है प्राइस वाइज, तो देखेंगे रिजल्ट मेन है, रिजल्ट और अफोर्ड कितना लगता है, अगर वो अगर अच्छा रहा तो देखते हैं। तो आपको सामने पहले मैं ये करके दिखाऊंगा, फिर करके दिखाऊंगा बफिंग, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ जो बोली थी कि मैं अपना इसका रिव्यू भी करूंगा, क्योंकि बहुत लोग ना इसको भी यूज़ करते हैं, इसकी वीडियोज़ मैंने देखी हुई ऑनलाइन, तो ये पेडलाइट का प्रोडक्ट जो है ब्राइटो, उसका भी रिव्यू आखिर में देता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको यूज़ करते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों कैसे इसको यूज़ करते हैं वो मैं बताऊँगा। ये एरिया जो है मैंने पॉलिश के लिए रखा हुआ है, कि जो मेटल पॉलिश है, ये जो एरिया है वो बफिंग के लिए, ठीक है। तो पहले इस एरिया में हम ये यूज़ करने वाले हैं, तो जल्दी से इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसी पैकिंग निकलेगी इसके अंदर, तो इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। इसके कैप के बैक साइड पे ही इसको ओपन करने का होता है, इसमें सील होता है, तो ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं ना वो बता देता हूँ आपको। कोई भी थोड़ा रफ कपड़ा हो ना वो आप लीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर हाथ वाथ लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अगर आप हाथ पे लगाना चाहते हैं हाथ पे लगा सकते हैं, ब्रश से करना चाहते हैं ब्रश से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा लीजिए, ठीक है, हर जगह पे इसको थोड़ा फैला दीजिए, फैलाने के बाद में कपड़े से ही थोड़ा सा इसको हर जगह पहुंचा दीजिए, बाद में सर्कुलर मोशन में इसको आपको रब करना है ताकि इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके।
दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरफ में जो है रॉयल इनफील्ड का मेटल पॉलिश जो है लग चुका है, ऑलमोस्ट जो सरफेस है वो क्लीन कर दिए। कंपेयर करते हैं, दिखाता हूँ एकदम डेप्थ में, अभी तो रोशनी आ रही होगी प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा। पहले इधर भी बफिंग कर लेते हैं, फिर दोनों कंपेरिजन दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब बारी आती है बफिंग की। बफिंग के लिए आपको मालूम है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि इसके लिए आपको चाहिए ग्रीन कंपाउंड, ठीक है, और निकल पाउडर। ये जो आप देख रहे हैं ये है निकल पाउडर, तो ये आपको चाहिए। बफिंग आप इजीली आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और एक कपड़ा जिससे निकल पाउडर से करके थोड़ा साफ करेंगे। तो जल्दी से मैं करता हूँ इसको, फिर हम देखते हैं रिजल्ट दोनों का। दोस्तों बफिंग भी हो चुकी है एंड मेटल पॉलिश भी यूज़ कर दिया है रॉयल इनफील्ड का। तो अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, दिखाता हूँ क्लोज करके आपको कि कैसा रिजल्ट आया हुआ है। आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा, ये जैसे मैं टेप निकाल रहा हूँ तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बेटर है। तो क्लोज करता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, मैंने अभी टेप निकाला इस बीच में से, तो बीच में देख सकते हैं कि ये बिफोर का है। तो बिफोर में कितने ज़्यादा अभी भी इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए वाटर मार्क दिख रहे हैं। बट इस साइड में जो मैंने मेटल पॉलिश यूज़ किया हुआ रॉयल एनफील्ड का, वहाँ पे वाटर मार्क नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, वाटर मार्क देखिए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वाटर मार्क एकदम क्लीन हो गए। एंड इस तरफ जिस तरह जहाँ मैंने बफिंग की है वहाँ तो आपको देख ही रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है आपको कि कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आया हुआ है। इसमें एकदम मिरर फिनिशिंग है, ठीक है, इसमें क्लियरली आपको जो ये दिख रहे हैं ये दिख रहा होगा आपको क्लियरली, ठीक है, ये देखिए एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे थोड़ा डलनेस है, ऑब्वियसली बात है हमने हाथ से बफ किया है और यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ है ड्रिल मशीन, तो उसका आरपीएम तो ऑब्वियसली हाई होगा, तो उसके वजह से जो जितने वाटर मार्क होते हैं स्क्रैचेस होते हैं वो निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि रॉयल एनफील्ड का जो मेटल पॉलिश है वो भी मैंने यूज़ कर लिया है अपने इंजन पे एंड बफिंग भी यूज़ करके दिखाया। दोनों का रिजल्ट भी आपने देख लिया कि ऑब्वियसली शाइनिंग जो है वो बफिंग की ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पॉलिश। बट हाँ ये बोलूं कि इसके प्रो एंड कॉन्स भी हैं एंड बफिंग के प्रो एंड कॉन्स भी हैं, तो उसके पर तो हाईलाइट कर लेते हैं कि दोस्तों प्रोज की अगर बात करें, ठीक है, बफिंग का तो आप इजीली कोई भी कर सकता है इसको, कुछ नहीं करना है, सर्कुलर मोशन में सर्कुलर वे में आपको क्लोथ से करना है और आपको एक डिसेंट सी शाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसे एरियाज जो ये आप देख रहे हैं ये अपर एरियाज, यहाँ हम बफिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बफिंग ले जाने पर पेंट पर लगने का डर है, तो यहाँ पर ये मेटल पॉलिश काम आते हैं, ठीक है। एंड अगर कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों ऑफर्स जो हैं वो बफिंग जैसे ही लगते हैं, आपको रब ज़्यादा करना पड़ता है हर जगह जो है, जहाँ जहाँ वाटर मार्क लगा है वहाँ वहाँ अच्छे से रब करना पड़ेगा, तो हाथ जो है थोड़ा सा दर्द कर सकता है क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ हाफ ही किया है, फुल करने मुझे मालूम है कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ये है इसका टाइम, सेम लगता है जितना बफिंग में टाइम लगता है क्योंकि हर एक एरियाज में आपको जाना पड़ता है, वहाँ पर रब करना पड़ता है, ठीक है, और एक बार में रिजल्ट नहीं आता है। तो ये इसके प्रो एंड कॉन्स हैं। बफिंग की अगर बात करें तो दोस्तों बफिंग जो है अच्छा रिजल्ट दे देती है, थोड़ा फास्ट है कंपेयर टू दिस, क्योंकि आपको क्या करना है इसके ऊपर ग्रीन कंपाउंड लगाना है और बफ कर देना है एरिया में, थोड़ा इसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फिर आपको निकल पाउडर से जो है वो साफ़ कर देना है, दैट्स इट, इतना काम होता है। तो टाइम जो है उसमें अच्छा रहता है, जो शाइनिंग है बफिंग में आपको अच्छी मिलेगी, बट हर जगह वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है, अफर्ट जो है वो भी कम लगाने पड़ते हैं, हर एरियाज में आप बफिंग पैड नहीं ले जा सकते। बफिंग पैड आते हैं वैसे, दूसरे भी आते हैं, अलग अलग शेप्स के भी आते हैं, उससे आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर वो कॉस्ट जो है थोड़ा सा हाई कर देगा। अब कॉस्टिंग की बात की जाए तो कॉस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे यार दोनों का कंपेरिजन कॉस्टिंग का होना चाहिए, ये 315 का था, ठीक है, इस टाइप का हिसाब से अगर जितना मैंने अभी क्वांटिटी यूज़ किया, मैं आई थिंक इसको 2 से 3 बार यूज़ करता हूँ, 3 बार मान लेते हैं, 3 बार इसको यूज़ करता हूँ, तो 100 रुपये का 1 बार का मेरा शाइनिंग का हुआ। एंड इसको अगर बफिंग की बात की जाए तो कंपाउंड आप देख सकते हैं, ग्रीन कंपाउंड जितना है आपके पास उतना आप कर सकते हैं, निकल पाउडर भी अच्छी क्वांटिटी में है, मैंने 500 का जो है वो मेहरा राइडर से मंगाया हुआ था। अगर मैं इसको कम से कम मैं आराम से इसको 10-15 बार और यूज़ कर सकता हूँ, मैं डिपेंड करता है मैं कैसे करता हूँ, 10-15 बार आराम से यूज़ करता हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि 30-40 मैक्सिमम कॉस्ट लगा होगा मेरा इसमें अगर पूरा बफ करता हूँ तो, ठीक है।
तो दोस्तों ये तो हो गया इसका डिटेल, और मैंने कहा था कि ब्राइटो का भी इसका भी रिव्यू करके दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको। बहुत लोगों का वीडियो मैंने इसके ऊपर भी देखा हुआ है, ठीक है। पेडल लाइट का है, स्टैंडर्ड ब्रांड है, सारे मेडल्स पे यूज आ जाता है, सभी मेडल्स, कॉपर हो, ब्रास हो या फिर क्रोम हो, सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसका रिजल्ट जो है ना वो इससे रॉयल एनफील्ड के ऑटो सोल से बहुत ज़्यादा कम है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इस पे टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। हल्के बुल के वाटर मार्क निकाल सकता है बट पूरा रिजल्ट आपको नहीं देगा। तो ये आता 40 रुपीज़ के आसपास का है, 50 रुपीज़ का ऐसा कॉस्टिंग लिखा हुआ है, 40 रुपीज़ से मुझे मिला हुआ है, तो 40 रुपीज़ का आता है। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं हल्के बुल के दाग पे, ज़्यादा आपको डिटेलिंग नहीं देगा। तो दोस्तों आपको डिटेलिंग ऑलमोस्ट सारी मिल चुकी होगी, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करने वाले हैं वो भी मुझे बताइएगा, आपका कोई सजेशन है मेटल पॉलिश को लेके वो भी मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बाय डिटेल मिल जाएंगी। एंड ख्याल रखिए, ध्यान के, और देखते रहिए, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पहले आती रहेंगी। बाय।